तो हेलो एवरीवन, आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो यार मैं भी ठीक हूँ। तो यार जैसे कि अपने थंबनेल के अंदर देखा कि यार आज की इस वीडियो के अंदर ये अपना जो सारे रिपोर्ट है उसके ऊपर छोटी सी अपडेट वगैरह आई है, तो मैं आप सभी को दे देता हूँ यार, क्योंकि काफ़ी सारा टाइम हो गया, अपडेट वगैरह मिली नहीं थी आपको और थोड़ी साउंड वगैरह आ रही होगी क्योंकि यार आज संडे है तो बच्चे वगैरह खेल रहे हैं गली में, तो उसके लिए सॉरी, थोड़ा इग्नोर करना। बाकी उससे पहले मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि चैनल पे नए हैं सब्सक्राइब जरूर कर देना और वीडियो अच्छी लगी और लाइक जरूर करना। और हाँ, सभी को एक इम्पोर्टेंट बात बतानी थी कि हमारा शायद अगर ऐसे ही चलता रहा तो हमारा शायद अक्टूबर के अंदर दिवाली से पहले या फिर जब भी है तो एक अब काफ़ी अच्छा क्या है सरप्राइज़ मिलने वाला आप सभी को कि अपना मोनेटाइजेशन से रिलेटेड, तो अपना थोड़ा बहुत वो टाइम रह गया, बिल्कुल थोड़ा सा मामूली सा, तो वो देखते हैं कितने दिन में क्या पूरा हो रहा है। बाकी आपको मैं वो कम्युनिटी पोस्ट में दे दूँगा अपडेट जैसे ही अपना कुछ आगे अपडेट वगैरह निकल के आएगा मोनेटाइजेशन से रिलेटेड। तो चलिए फिर अभी मैं मोबाइल स्क्रीन के ऊपर लेके चलता हूँ और वहाँ पे डिस्कस करता हूँ कि पूरी अपडेट वगैरह क्या आई है। तो चलिए फिर अभी चलते हैं वहाँ पे। तो यार अभी मैं आ गया अपनी मोबाइल स्क्रीन के ऊपर, तो क्या अपडेट निकल के आई है एयरपोर्ट से रिलेटेड तो वो डिस्कस करते हैं। तो उसके लिए मैं गैलरी ओपन करता हूँ और वहाँ पे चलते हैं। तो यहाँ पे देखिए, पब्लिक हेल्थ ने 1,89,00,000 का लगाया टेंडर, यानी 1.89 करोड़ का लगाया टेंडर इन्होंने। एयरपोर्ट की 7,000 यानी 7,200 एकड़ में बिछाई जाएगी स्ट्रॉन्ग वाटर लाइन। अब ये क्या है, क्या इसका है, तो पूरा आगे बात करते हैं। तो यहाँ पे देखिए, इंटरनेशनल एयरपोर्ट की 7,200 एकड़ ज़मीन में स्ट्रॉन्ग वाटर लाइन बिछाई जाएगी। इसके साथ पैसेंजर टर्मिनल पर पेयजल सप्लाई देने के लिए 35 करोड़ रुपए की लागत से लाइन, वाटर टैंक व वाटर ट्रीटमेंट प्लांट बनाए जाएंगे, यानी ये वाटर ट्रीटमेंट प्लांट वगैरह होंगे 35 करोड़ की लागत से। सिविल एविएशन ने इस काम की एडमिनिस्ट्रेटिव अप्रूवल दे दी है, यानी अब ये काम स्टार्ट हो जाएगा, अप्रूवल मिल चुकी है इसको। पब्लिक हेल्थ के अधिकारी इस काम को करेंगे, यानी जो पब्लिक हेल्थ के हैं अधिकारी वो इस काम को करेंगे। विभाग ने प्रपोजल लाइन में इस प्रोजेक्ट को एडमिन अप्रूवल देने के बाद DNICT तैयार कर मुख्यालय भेज दी गई है। अनुमति मिलते ही टेंडर लगाया जाएगा, यानी जैसी ये अनुमति वगैरह ये पास तो होगी लेकिन अभी मुख्यालय भेजी गई है तो उसके बाद ये टेंडर मिल जाएगा। यहाँ पे पब्लिक हेल्थ के अधिकारियों ने बताया कि स्ट्रॉन्ग वाटर लाइन बिछाने से पहले कंसल्टेंसी की DPR तैयार करने को लेकर टेंडर दिया गया था। यह कंसल्टेंसी इस पूरे प्रोजेक्ट को डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनाएगी। दिल्ली की कंपनी को 1.79 करोड़ रुपए का टेंडर दिया गया है, यानी 1.79 करोड़ का टेंडर दिया गया है। अब आगे बात करते हैं, यहाँ पे देखिए, 15 साल के बारिश के डाटा बेस पर तैयार होगी DPR, यानी DPR वगैरह भी बनाने जरूरी है। तो जो 15 साल का बारिश का डाटा है उसके ऊपर ये DPR तैयार होगी। DPR तैयार करने को लेकर खास बात यह रहेगी कि स्ट्रॉन्ग वाटर लाइन की कैपेसिटी निर्धारित करने को लेकर दिल्ली की कंसल्टेंसी IMD के 10 से 15 साल या इससे अधिक वर्षों का डाटा रिपोर्ट तैयार करेगी। 7,200 एकड़ में बारिश का पानी कितना एकत्रित हो सकता है, इसी आधार पर ड्रेनेज सिस्टम तैयार होगा। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 4,200 मीटर बिछाई जाएगी टर्मिनल लाइन। अब टर्मिनल लाइन क्या है, यहाँ पे पब्लिक हेल्थ के अधिकारियों ने बताया कि टर्मिनल को पानी देने के लिए करीब 4,200 मीटर की लाइन बिछाई जाएगी। यह लाइन करीब 200 mm की होगी। पानी के लिए करीब 15 मिलियन लीटर ही होगी। इसके साथ ही 1 MLD का वाटर ट्रीटमेंट प्लांट, बाउंड्री वॉल वाटर वर्क्स, पंप चैम्बर राणा माइनर से इनलेट चैनल एयरपोर्ट तक पानी की लाइन बिछाई जाएगी। स्ट्रॉन्ग वाटर लाइन बिछाने के लिए पहले कंसल्टेंसी को DPR तैयार करके टेंडर अलॉट किया जाएगा। एजेंसी का यह कार्य 1.89 करोड़ रुपये में करेगी। यहाँ पे आगे देखिए, 6 महीने तक का समय दिया, यानी 6 महीने का समय दिया एजेंसी को DPR के आधार पर स्ट्रॉन्ग वाटर लाइन बिछानी है। प्रपोजल लाइन बिछाने को लेकर 32 करोड़ का टेंडर लगाया जाएगा। इसे एडमिनिस्ट्रेटिव अप्रूवल मिल गई है, अंकुश ये इन्होंने यहाँ पे कहा है कि
इनको अप्रूवल वगैरह मिल गया। तो मेन बात ये क्या थी इसमें, मेन बात ये थी कि अपनी क्या बोलते हैं इसमें स्ट्रॉन्ग वाटर की लाइन वगैरह बिछेगी DPR में, तो सही है यार अपना। तो ये छोटा सा अपडेट था एयरपोर्ट को रिलेटेड, बाकी मैं आगे बात करता हूँ आपसे। तो यार जैसे कि अभी आपने देखा होगा कि यहाँ पे अपना जो स्ट्रॉन्ग वाटर पाइपलाइन के ऊपर अपडेट वगैरह था यहाँ पे, तो 1.89 करोड़ में ये लागत है और अपना 34 करोड़ की लागत से आगे वो मिलेगा। तो यार ये काफ़ी अच्छी अपडेट वगैरह है तो पानी से रिलेटेड, क्योंकि एयरपोर्ट पे तो भाई पानी तो जरूरी ही जरूर चाहिएगा, तो इसके ऊपर अपडेट थी। बाकी आगे फ्यूचर में और भी कोई अपडेट आएगी तो वीडियो आपको तुरंत मिल जाएगी। तो आई होप आप सभी को वीडियो पसंद आई होगी। तो वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब अगर आपके कॉमेंट वगैरह हो, ये कोई सॉरी डाउट वगैरह हो तो कॉमेंट करके ज़रूर पूछना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।